हाय गाइस, दिस इज पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग स्वाधयाय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लासिक चैप्टर 5। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेपरेशन। तो सेपरेशन इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम एनी कंपोनेंट इज कॉल्ड सेपरेशन। एग्जांपल के तौर पर सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस और सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स। चलते हैं अगली तरफ, तो वो है मेथड ऑफ सेपरेशन। सबसे पहला है हैंड पिकिंग, दूसरा है थ्रेशिंग, तीसरा है विनोइंग और चौथा है सीविंग। सबसे पहले हम लोग लेते हैं हैंड पिकिंग। It is used to separate large size impurities like pieces of dirt, stone, etc. The quality of such impurities are very large. तो जैसा कि आपने अपने मम्मी को या फिर किसी को देखा होगा, वो चावल से कुछ दाने वगैरह दाने हटाकर जो स्टोन्स निकालती है उसी को हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग। दूसरा है थ्रेशिंग। तो द प्रोसेस डैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। धान से जो हम लोग धान के स्टॉक से जो हम लोग धान निकालते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं थ्रेशिंग। और तीसरा है विनोइंग। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इट इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लार्जर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। हम अपने यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि धान निकालने के बाद उसको स्टॉक से अलग करने के बाद कुछ कंपोनेंट जो है वो बाहर निकाला जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग विनोइंग। चौथा है वो है सीविंग। इट इज यूज टू फाइंड पार्टिकल थ्रू द होल एंड सीविंग इज बिगर रिमेन्स द सेम। जैसे छलनी से हम लोग छानते हैं वही होता है सीविंग। चलते अगले की तरफ, तो वो है सेडिमेंटेशन। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्ड आफ्टर वाटर इज एडेड इनटू प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। मतलब कि जो गाढ़ा चीज रहता है, जो भारी चीज रहता है, वो पानी के नीचे जो बैठ जाता है उसी को हम लोग सेडिमेंटेशन करते हैं। या तो आप पानी में भी कर सकते हैं या कोई भी चीज में जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है उसको हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो सबसे दूसरा है डिकंटेशन। द वाटर व्हेन द वाटर अलोंग द डस्ट इज रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन। तो बैठने के बाद जब हम लोग ऊपर का पानी हम लोग निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिकंटेशन। अब तीसरा है वो है फिल्टरेशन। तो इट इज यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड। मतलब कि जो सॉल्युबल नहीं है और हम लोग उसको फिल्टर करते हैं, तो वही हम लोग उसको फिल्टरेशन प्रोसेस में जो प्योरिटीज निकालते हैं वही फिल्टरेशन होता है। तो अगला है वो इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर इंटू वेफर। दिस प्रोसेस इज एवोपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेन एवर वाटर इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल लेते हैं सी वाटर को अगर हम लोग इवोपोरेट करेंगे तो उसमें केवल और केवल सॉल्ट बचेगा, और ओशियन से हमेशा इवोपोरेशन होता है, चाहे जहाँ पे भी वाटर बॉडी होता है वहाँ से इवोपोरेशन होता है। तीसरा है कंडेंसेशन। द प्रोसेसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर वेपर इंटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब इवोपोरेट होता है पानी तो क्लाउड में जाके वो कंडेंस होता है, उसके बाद फिर वो जो प्रेसिपिटेट होके हम लोग के पास फिर से वापस आ जाता है वो पानी। तो अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। इस चैप्टर में हमें क्या क्या रिमेंबर करना होगा, क्या क्या हम लोग को याद करना होगा। सबसे पहला है चेंजेस, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो होता है जो कि हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, और केमिकल चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्सिबल। तो दूसरा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज वो हार्मफुल रहता है। और मेथड ऑफ सेपरेशन हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सेडिमेंटेशन, सेविंग, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन वगैरह। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लिंक और इन सारे के जो PDF लिंक है और PPT लिंक है और गूगल ड्राइव लिंक है, सब जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। और पहले बहुत दिन से वीडियो नहीं, करीब 4 महीने से, लेकिन अब जो है वीडियोस रेगुलर आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।